हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर एग्जाम 2022, जिसमें डिफरेंस कोर्सेस आपको पता करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बीटेक के कोर्सेज, कम्युनिटी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से कोर्सेस है जो कौन कौन से स्टूडेंट्स है वो कर सकते हैं, जैसे एबीसी के हो, यदि आप ईसीएम से हो या आप एबीसी से हो, ठीक है, तो कौन सा कोर्स है वो आप कर सकते हो आईसीआर के थ्रू, अपना करियर अच्छा बना सकते हो। तो माय सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो होप कि आपकी आईसीआर एग्जाम्स देने में, आपके आईसीआर काउंसलिंग में, आपके आईसीआर एग्जाम्स के टाइम में आपकी बहुत सारी हेल्प मेरे थ्रू होगी, ठीक है, मेरे चैनल के थ्रू होगी। क्योंकि मैंने बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखे जो हर तीसरे दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर देते हैं, हर तीसरे दिन आपको एक डेट बता देते हैं, जिसे आप जो है उस डेट के भरोसे बैठे होते हो कि इस तारीख को जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इस तारीख को आपका एग्जाम्स होने वाला है, बल्कि हो कुछ नहीं रहा, ठीक है, 2 महीने पहले से वो एग्जाम्स डेट बता रहे हैं, लेकिन कहीं आपका एग्जाम डेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है, पूरा डिस्कस करने वाला है कि एबीसी, ठीक है, उसके बाद पीसीबी या पीसीएम से आप बिलोंग करते हो तो कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एबीसी की। पहले सबसे सारे कोर्सेज के हम नाम बोलता हूँ, ठीक है, आपका सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हम बीटेक कोर्सेज की बात करें तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस। ये सारे कोर्सेस होते हैं जो आईसीआर के थ्रू आपको करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है, जैसे कि आपका एबीसी, ठीक है, जिसके एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री हो, ठीक है, उसके बाद में आपके पास यदि पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो हो, उसके बाद में आपके पास पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ हो, ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट 3 कैटेगरी होगी। अब हम बात करते हैं एबीसी वाले की, एबीसी वाला कौन कौन सा कोर्स है वो कर सकता है। तो एबीसी वालों के पास होता है पीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये हो गया आपका बीएससी, सॉरी, जिसके एग्रीकल्चर 12th में है, जो एग्रीकल्चर से आपका एग्जाम देगा। अब हम बात करेंगे आपका, यदि आप जो है पीसीबी से बिलोंग करते हो, मतलब पीसीबी आपका 12th में है, तो कौन कौन से कोर्स है वो आईसीआर के थ्रू कर सकते हो, तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ठीक है, उसके बाद में आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस। आप बीटेक जो बीटेक के कोर्सेस होते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आपका पीसीएम से, यदि आप बिलोंग करते हो तो कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो, तो यदि आप पीसीएम से बिलोंग करते हो तो पीसीएम से आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उसके बाद फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री आप नहीं कर सकते। बीटेक के सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। बीटेक की कोर्सेज की हम बात करें तो बीटेक में आपके आते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद में आपका आता है सेरिकल्चर एंड उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है आपका कम्युनिटी साइंस, ठीक है। तो ये सारा कोर्सेस है वो आप बीएससी आईसीआर के थ्रू एग्जाम्स देके हैं जो कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि किसका ज्यादा कट ऑफ होता है, किसका क्या क्या प्रोसेस होता है, आपको किस में आपको ज्यादा स्कोर करना होगा, सारा आपका एग्जाम शेड्यूल भी बताया जाएगा, एग्जाम का कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। होप कि ये जो वीडियोस होंगे आपके आईसीआर के, वो बहुत ही आपके एग्जाम्स में एग्जाम्स को अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिए, आईसीआर के स्टूडेंट मैं भी हूं तो आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, बेटर होगा कि आपको बेटर कॉलेज में हम हमारी हेल्प के द्वारा पहुंचे, ठीक है। तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।